हमारी पृथ्वी के अंदर लेसन अपन ने पढ़ लिया था, अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, कल मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, आपने लिख लिए होंगे। अब इससे आगे है, देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए थे, पृथ्वी की तीन परतें क्या है, इनके नाम मैंने बता दिए थे, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। शैल क्या है ये भी मैंने लिखवा दिया था, तीन प्रकार की शैलों के नाम, आग्नेय, औषधि और कायांत्रित शैल, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है ये भी करवा दिया था, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं ये भी करवा दिया था, शैलों के क्या उपयोग हैं और कायांत्रित शैल क्या है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये लिख लो आप सही उत्तर चिन्हित कीजिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, ठीक है। अब इसमें पहला उत्तर, पहला क्वेश्चन लिख लो, आपके बुक में दे रखा है, गर्भित मैग्मा से बने शैल, गर्भित मैग्मा से बने। अब इसमें ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें, जैसे कायांत्रित शैल, कायांत्रित शैल, दूसरा है औषधि शैल, औषधि शैल, और तीसरा है आगने शैल। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि द्रवित मैग्मा से कौन सी शैल का निर्माण होता है, सबसे जिसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, ज्वालामुखी से किसका निर्माण होता है, तो कायांत्रित शैल का तो होता नहीं है, औषधि शैल का औषधों से होता है, तो तीसरे बचेगी आगने शैल, तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, थर्ड आगने शैल, ठीक है, कि द्रवित मैग्मा से कौन सा शैल बनती है, आग्नेय शैल। ऑप्शन चाहे आगे पीछे कैसे भी दे दे, लेकिन आपको आंसर सही पता होना चाहिए कि द्रवित मैग्मा से, पिघले हुए मैग्मा से जल या ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए मैग्मा से कौन सी शैल का निर्माण होता है, आग्नेय शैल का। अब दूसरा क्वेश्चन है, आपको साथ साथ ये कॉपी में लिख रहे हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, सबसे भीतरी परत है कौन सी है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे क्रोड, दूसरी हो जाएगी मेंटल, और तीसरी हो जाएगी भूपर्पटी। अब इसका आंसर कौन सा आएगा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, भीतरी परत सबसे आंतरिक परत है, तो तीन प्रकार की परतें बताई थी ना, सबसे ऊपरी भूपर्पटी, मेंटल और सबसे आंतरिक परत है क्रोड, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्रोड, ठीक है। आपकी बुक में ये ऑप्शन आगे पीछे दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसे भी दे दे एग्जाम में, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं, ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे शैल, दूसरा ऑप्शन है खनिज, और तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म। अब इसका आंसर क्या जाएगा, सोना, पेट्रोलियम है कोयला, ये धरती के अंदर जो पाए जाते हैं, और धरती के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, खनिज, तो इसका आंसर आ जाएगा खनिज।
मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि खनिज खोद कर जो जमीन खोद कर जो निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। अब है पृथ्वी की सबसे पहली पतली परत कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकते हैं तुम्हें। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पतली परत कौन सी है? कौन सी है? तो आपको मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिखती हूँ परपटी या भूपरपटी भी मिल जाएगा आपको कई जगह, मेंटल और तीसरी है क्रोड। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? मैंने तुम्हें बताया था मेंटल कितने प्रतिशत भाग है? 84% भाग, और 15% पर क्रोड है, और 1% पर यह परपटी है। तो सबसे कम कौन सी हुई, पतली परत कौन सी हुई? यह परपटी। तो इसमें आ जाएगा एक आंसर, क्या आएगा? परपटी। ठीक है, अब आपके आ गए होंगे समझ में, क्योंकि ये साथ के साथ ही आपको याद हो जाएंगे अगर आप याद करोगे तो। देखो इसमें अलग अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि पृथ्वी की सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली परत कौन सी है, सबसे अधिक प्रतिशत किस परत का पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा? मेंटल, क्योंकि आपको पता है 84% मेंटल पाई जाती है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक तापमान कौन सी परत में पाया जाता है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्रोड में सबसे भूमि के जो जो अपन अंदर जाते हैं तापमान अधिक बढ़ जाता है, और वो पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब जैसे ये है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, तो क्रोड है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे भारी परत कौन सी है, सबसे भारी परत कौन सी होगी, सबसे पहली या सबसे भारी परत कौन सी होगी, भूपरपट। अब इन क्वेश्चनों को किसी भी तरह से आप से पूछ सकता है, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, या ऐसे भी अपन ने कहा खनिज। अब जैसे खनिज कौन से हैं इनमें से आपको दे दे, तो आपको दे दे शेल, ये शेल के कुछ उदाहरण देते जैसे आपने चट्टाने दे दे, दूसरा उसमें पेट्रोलियम एवं कोयला, और तीसरा दे दे कि जैसे कोई वस्तु का नाम दे दे, तो आपका क्या आएगा? खनिज जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, खनिज क्या होते हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे किसी भी तरह से घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ ले तो भी तुम्हें ऐसे ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि अपन ने लेसन अच्छे से पढ़ा है। और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हो कि इसका ये समझ नहीं आया। ये लगातार आपको कॉपी में उतारने हैं और हम चेक करने के लिए बता देंगे कि जिस दिन फोटो खींच के आपको चेक करने के लिए भेजना है। ठीक है, सुंदर सुंदर होमवर्क करना है। और किसी भी तरह अभी किसी में जैसे मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन और पूछ लूं कि अपने राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे अपन राजस्थान, कौन से राज्य में रहते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? राजस्थान में तो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो यहाँ अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं लोहा, जस्ता, तांबा, अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे जैसे और क्वेश्चन पूछ लूं कि ये देखो इसमें शेल है, तो ये ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर से। तो आपको पता है ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, और संगमरमर कौन सी चट्टान का या कौन सी शैल का उदाहरण है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने ये तुम्हें पहले भी बताया था कि संगमरमर से ये इसका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित शैल का उदाहरण है संगमरमर।
ठीक है, आपको ऐसे अंशांक दिशा के पूछ ले कि ये मिट्टी कौन से शैल का उदाहरण है, मिट्टी विभिन्न परतों में पाई जाती है ना, तो ऐसे किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हें आना चाहिए। कि कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि आपने चट्टानों के कोई दो उदाहरण बताओ चट्टानों के नाम, तो आपको मैंने तब समझाया तब बताया था, तो उनके नाम याद होने चाहिए आपको। रूपांतरित चट्टान क्या होती है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार, या आग्नेय शैल क्या होती है, कायांतरित शैल क्या होती है, और अवसादी शैल क्या होती है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है अपना क्वेश्चन, इसमें आपकी बुक में दे रखा है, देखो निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो इसमें मैं लिख देती हूँ इसका, देखो मैं तुम्हें वैसे ही बोल के ही बता देती हूँ, लिख देती हूँ मैं तुम्हें जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। सही जोड़े बनाइए, तो कहता है तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, करोड़ है खनिज गैर शैल ग्रह चिकनी मिट्टी पृथ्वी की सतह की सतह, दूसरा है सड़क में मार्ग बनाने के लिए जो होता है सड़क एवं इमारत बनाने के आते हैं। सबसे भीतरी परत है, पांचवा है सबसे भीतरी परत है, चौथा है स्लेट से बनता है, बनता है सातवा है शैल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया, शैल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया। अब ये मिलान करना है, देखो इसमें क्रोड क्या है, क्रोड मैंने बताया था सबसे भीतरी परत है, तो यह इसका आ जाएगा पांचवा, ठीक है। खनिज क्या है, रासायनिक मिश्रण होता है।
आती है चिकनी मिट्टी। सियान है सिलिका एम एल्यूमिनियम। और चिकनी मिट्टी है शैल के परिवर्तित होने की। चिकनी मिट्टी से सलेट बनती है, ये आएगा इसमें। चिकनी मिट्टी से यह एक परिवर्तित रूप है ना शैल का, चिकनी मिट्टी से सलेट बनती है। तो इसके आगे एक क्रोड है, सबसे भीतरी परत खनिज है, रासायनिक मिश्रण से बनता है, शैल है सड़क निर्माण बनाने के लिए। और चिकनी मिट्टी सलेट में परिवर्तित हो जाती है और शियाल शैल में एल्यूमिनियम से बनता है। अब इसे अगले क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है। क्योंकि वहां पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है, इनके कारण बताने हैं आपको। वहां पर जाना असंभव है क्योंकि मनुष्य आसमान में दूर तक देख सकता है, लेकिन वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही मनुष्य ने 6 किलोमीटर तक ही मनुष्य ने खुदाई की है, 6 किलोमीटर तक ही वह जा सकता है। इससे आगे उसने सिर्फ जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके द्वारा उसकी जानकारी उपलब्ध उसे होती है। अब औषधि शैल औषधि से क्यों बनती है? क्योंकि औषधि शैल में को बनने के लिए उमस और विभिन्न प्रकार के जो ये प्राकृतिक तत्व हैं वो कई सालों में इनका निर्माण होता है और वो एक दूसरे के ऊपर जमती हैं, इसलिए वह परतों के रूप में निर्माण इनका औषधों से होता है। चुना पत्थर संगमरमर में बदलता है, क्यों? वह ताप व दाब के कारण, ताप व दाब के कारण वह चुना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, कायम त्रिशल। अब ये क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में नोट कर लेना। अब मैं चेक करने के लिए तुम्हें मैसेज कर दूंगी और ये याद भी साथ साथ